आज हम आपको सैमसंग 203 मोबाइल में ये फॉल्ट आ गया, देखिए ये गिरने के कारण इसका फोल्डर तो टूट ही गया है, साथ ही साथ ये इसकी कैबिनेट जो है काफी फोल्ड हो गई है। इसको हम सीधा करेंगे देखिए, और इसको पूरा क्लीन करके फोल्डर लगा करके दिखाएंगे। अब देखिए इसको क्या करना है, यहां इसको देखिए, इसको हम सीधा करेंगे, मोबाइल को पूरा सीधा करेंगे, घबराइए नहीं आप। देखिए इसकी कैबिनेट आप लगभग देख रहे होंगे सीधी हो गई होगी, देखिए, और ये फोल्डर हम लेके आए हैं, ये फोल्डर लेके आए हैं देखिए। अब आपको इस फोल्डर को लगा करके दिखाएंगे और इसके सीट को हम क्लीन करके दिखाएंगे। देखिए क्लीन कैसे सीट की जाती है, इसको देखिए ध्यान से, यहां हम थोड़ा सा इसको पेस्ट लगा लेते हैं और इसको अब हटा देते हैं यहां से, इसका कोई काम नहीं है। देखिए ये ग्लू रिमूवर होता है, इसको यहां लगा करके इसको अच्छे तरीके से साफ कर दिया जाता है पूरी सीट को, देखिए। और सीट में थोड़ा सा अभी भी डर्स है, ये डर्स रहेगा सीट में तो ये आपका फोल्डर बैठेगा नहीं। यहां देखिए साफ करने का क्या तरीका है, यहां देखिए हमने पतली सी एक निडिल ले ली है, यहां थोड़ा सा इसको साफ करेंगे, देखिए ऐसे ऐसे देखिए यहां निकल रहा है, इस प्रकार से इसके सीट को हम साफ कर देंगे। देखिए ये साफ नहीं हुआ, साफ कर रहे हैं, देखिए इस तरह से इसको सीट को साफ कर देंगे। कि पूरी कैबिनेट हमारी क्लीन हो चुकी है, ये फोल्डर सीट है देखिए। अब यहां पर इसको हम ग्लू को लगाएंगे आराम से, ग्लू लग गया है, अब इसमें हम फोल्डर बैठा करके आपको अच्छे तरीके से दिखाएंगे। देखिए यहां इसका फोल्डर लगा करके हम आपको दिखाएंगे, देखिए ये, ये लग गया फोल्डर आपका, ये इसका आपका बोर्ड है, आप देख लीजिए बोर्ड को, ये इसका बोर्ड है, बोर्ड हमने लगा दिया, और ये बैटरी कनेक्टर है और ये फोल्डर का कनेक्टर है, इसको हम बैठा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। फोल्डर आपका चिपक गया है, आप देख रहे होंगे नया फोल्डर हमने लगा दिया है। अब इसको हम ऑन करके आपको दिखाते हैं, देखिए यहां से हम पावर स्विच को प्रेस कर रहे हैं, आपके सामने देखिए आपका चल गया है, सैमसंग गैलेक्सी का ये मॉडल है, देखिए ये ऑन हो गया। इस तरह से आपको फोल्डर को लगाना है, इसकी पैकिंग करनी है।